हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G का टॉप 5 डिवाइस की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट है। नंबर 1 पे आता है Xiaomi Redmi 10X। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें Redmi 10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek का Dimensity 820 है, डिस्प्ले इसमें 6.57 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4520 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 नवम्बर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Honor Play 4। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें Redmi 10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek का Dimensity 800 है, डिस्प्ले इसमें 6.81 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4300 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 19,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Realme X7। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें Redmi 10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek का Dimensity 800U है, डिस्प्ले इसमें 6.43 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4300 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 19,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Vivo V20 Pro। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें Snapdragon का 765G है, डिस्प्ले इसमें 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 64+8+2 मेगापिक्सल का और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 44+8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 35,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Vivo इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 14 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Motorola One 2020। बात करें इसके स्पेशल की तो इसमें Redmi 10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें Snapdragon का 765 है, डिस्प्ले इसमें 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+5+2 मेगापिक्सल का और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 16+8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 5000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 34,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 34,000 के अंदर आ जाए, देखते हैं Motorola इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, ये थे 5G के टॉप 5 कमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.